Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. वेलकम टू थर्ड ओपिनियन खुवा हज़रात खुश आमदीद आज जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो दुनिया में बड़े दिलचस्प और एट द सेम टाइम बड़े ट्रैजिक किस्म के वाकयात भी हो रहे हैं हमारे इर्द गिर्द एक तरफ तो ये करोना का दौर जो है उसमें थोड़ी कमी आई है जो उसका ज़ोर था थोड़ा टूटा है दूसरी तरफ सियासी तौर पर दुनिया में जो हलचल मची हुई है और दुनिया में नई सफबंदियाँ हो रही हैं मुख्तलफ मुल्क और बलाक जो हैं वो अपने अपने जो अलाइंस हैं वो बदल रहे हैं जो बैलेंस ऑफ पावर है वो तब्दील हो रहा है और दुनिया में जो पावर सेंटर्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ तो इन में ये एक बड़ा एक तरफ तो ये दिलचस्प पहलू है इन सब चीज़ों को देखने का लेकिन एन उसी वक्त ये जो तब्दीलियाँ हो रही हैं इसका जो फॉल आउट है उसकी वजह से दुनिया में कई लोग जो हैं और तबकात जो हैं और ग्रो नेशनस नेशनलिटीज़ उन पे भी इसके बड़े दूर रस किस्म के नतज जो हैं लॉन्ग लास्टिंग किस्म के इफ़ेक्ट्स वो पड़ रहे हैं तो इस हवाले से मैं आज बात जब ये कर रहा हूँ तो हमारे सामने जो बर्निंग इशू है वो ये है कि यूनाइटेड अरब एमरेट्स जो है उसने इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है और इसराइल के साथ बाबा जो है वो रिलेशनशिप और एक एग्रीमेंट जो है वो करने का ऐलान किया है अब ये एक ऐसी खबर है जो मुखलिफ़ सर्कल्स में इस वक्त एक बहुत बड़ा डिबेट जनरेट कर रही है जिसमें मुस्लिम वर्ल्ड के अलावा जो नॉन मुस्लिम जहाँ कहीं भी कोई इंटलेक्चुअल हैं या जो लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किसी न किसी तरह की इंट्रस्ट रखते हैं उनके लिए ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है तो हम चाहते हैं कि हम भी आपके साथ इस पर थोड़ी सी जो है वो अपने ख़्यालत का शेयर करें तो ये खबर बुनियादी तौर पे इसके डिफरेंट जो है वो रंग हैं और डिफरेंट इसके आस्पेक्ट्स हैं एक तो ये है कि इसको कुछ लोग आउट बाहर निकल के तो कुछ लोग इसको कंडेम कर रहे हैं और कुछ इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं दोनों की अपनी अपनी ओपिनियन है अपने अपने दलाल हैं और तीसरा ये है कि कुछ लोग हैं जो इस पूरी गैम में या जो सिचुएशन नई डेवलप हो रही है उसके अंदर वो अपनी इंटरेस्ट जो हैं कुछ मुल्क हैं वो उस हवाले से देख रहे हैं मैं इसको टोटली एक बहुत ही डिफरेंट एंगल से देखता हूँ मैं समझता हूँ कि ये अरब दुनिया और मुस्लिम दुनिया फॉर दैट पर्पज़ इसराइल की तरफ और फलस्तिन की तरफ राइट फ्राम डे वन जो उनका एक तर्ज अमल था वो इससे कोई मुख्तलफ़ नहीं था लेकिन उनको थोड़ा सा एक्सपोज होने में या अपने आप को खुल कर सामने आने की हिम्मत दिलाने में बड़ा टाइम लगा है अब ये जो मेरा एक शार्ट एक वन लाइनर है इसका पस मंज़र देखने के लिए आप अगर हिस्ट्री में जाएँ और आप जाके इसराइल वर्सेस जो अरब वर्ल्ड है या मुस्लिम वर्ल्ड है उनके दरमियान जो ताल्लुक़ का जो उतार चढ़ाव है जो नशीबो फरास हैं और उनके दरमियान जो मुख्तलिफ जो है वो डीलिंग्स होती रही हैं ख्वाबों किसी डिप्लोमेटिक सतह पे होती हूँ मिलिट्री एक्सचेंज होते हूँ टेक्नोलॉजी का तबादला तो हो ट्रेड और जो है तजारत हो इन सब चीज़ों का अगर आप देखें तो आपको ये हरत होगी कि Uh, मेरी राय ये है कि ये पलस्तिन जो अवाम थे उनको मुस्लिम दुनिया और अरब दुनिया ने ना सिर्फ ये है कि बिटरे किया और करते रहे बल्कि उनको बुरे तरी तरीके से, से मिसगाइड करके तो जंग की एक ऐसी ना ख़त्म होने वाली भाटी में झूमते रहे जिसके नतीजे में ये मुख्तलिफ़ बलाकों से और मुख्तलि चीज़ों से फ़ायदा तो उठाते रहे और उसमें जो क़ुरबानी के बारे के तौर पर जो है वो टीन टाइन के लोग जो हैं वो सफ़र करते रहे अब ये मेरी जो फाइंडिंग है इसके पीछे मैंने जो चीज़ें देखी हैं मैं समझता हूँ कि उनको अगर गैर जानबदारी से देखा जाए तो ये सारा केस खुल के सामने आता है कि आज जो डिसीजन यूनाइट अरब एमरेट्स ने किया था ये आज से जो है ना चालीस पचास साल पहले हो जाना चाहिए था चूंकि दुनिया में जो तारीख से हमने सबक सीखा है कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनकी रेजोल्यूशन के लिए बहरहाल एक आखिरी जो और पहला और आखिरी रास्ता जो कामयाब तरीन महफूज तरीन और इंसानियत के करीब तरीन रास्ता होता है वो बहरहाल डायलाग का ही होता है बंदूक के ज़ोर पर या गोली चलाने से या टेंकू से या पत्थरों से या लाठियों से जो है वो इस तरह के मामलों को जो इस तरह की एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में चले जाएं दोनों तरफ से उनको हल करना बड़ा मुश्किल होता है लेकिन फलस्तिन को पहले दिन से ये बताया जाता रहा कि आप लड़ते रहें पहले बंदूक से लड़ते रहें फिर जो है वो पत्थरों से लड़ते रहें फिर जो है वो जो जो तरीके आपके पास अवेलेबल हैं तो हम आपको इसराइल से आज़ादी ले देंगे तो इसके लिए जो मैंने पीछे देखा कि देखें ये जो एक हिपोक्रिटिकल किस्म का अप्रोच रही है मुस्लिम दुनिया की और अरब दुनिया की वो बिल्कुल उसको अगर आप डे बाय डे और मंथ बाय मंथ हिस्टोरिकली देखें तो आपको लगेगा कि ये पलस्तान के अवाम के साथ कितना बड़ा फ़्राड हो रहा था और द सीन इसराइल के साथ ये ताल्लुकात कायम करने के लिए किस कदर बेताब थे और किस हद हाँ तक तल्लत कायम कर चुके थे जो मुनाफकत आज आके दो हज़ार बीस के अगस्त में आपके सामने आ रही है जो हिपोक्रेसी उसको अगर आप राइट बैक चले जाएँ उन्नीस सौ उनचास पचास में जब इसराइल जो है वो उसकी फार्मेशन या क्रिएशन हुई थी तो उसके फ़ौर बाद दुनिया का पहला मुस्लिम मजार्टी मुल्क जो है वो था तुर्की जिसने ऐलान किया कि वो इसराइल को तस्लीम करता है और उसके साथ ताल्लक़ बनाता है और आज जब यूनाइट अरब एमरट्स ने जाके यही ऐलान किया यानी पचास साल के अरसा गुजर सदी सथ गुजरने के बाद तो आज वही तुर्की जो है उसने एक पलटा खाया और वो ऑन द फोर फ्रंट है कि जो ये कहता है कि जी ये मुसलमानों के साथ धोखा हो गया और फ़लस्ती को बिट्रे किया गया हालांकि जिस वक्त तुर्की ने यह डिसीजन किया था तो डेफिनेटली यही लफ्ज़ जो हैं वो उस वक्त तुर्की के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए थे लेकिन तुर्की उस पर डट गया था उसके डटने के बाद इतना तवील अरसा जो है वो तुर्की और इसराइल के दरमियान बहुत ही करीब किस्म का ताल्लक़ रहा है जिसमें उनका मिलीटरी इंटेलिजेंस का तबादला मिलटरी ट्रेनिंग और उनके मिलिटरी एक्सचेंज और इस तरह के खुफ़िया तरीन यानी इवन इंटेलिजेंस शेयरिंग और इस तरह की जो हसास तरीन मामलों में इसराइल और तुर्की के दरमियान जो है वो बहुत बड़ा करीबी तल्ल रहा है इसराइल के जो माहरीन हैं वो तुर्की के जो मिलीटरी जो थे उनके यूनिट्स उनको ट्रेन करते रहे और इस तरह की बहुत सारी इनके यानी करीब तरीन तल्लक इतना लंबा अरसा उन्होंने रखा यहाँ तक कि जाके तुर्की के अंदर जब ये प्रो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस जो हैं वो आ गई बरसर एकदार और दूसरी तरफ जो है वो वहाँ पे हिजबुल्ला का कब्ज़ा हो गया तो उसके बाद जाके इनके दरमियान एक जो है वो सिचुएशन थोड़ी सी जो है वो ख़राब हुई और जो तुर्की की अपने जो रजीम था उसके अंदर जो एक रेडिकल चेंज आई और उन्होंने बहुत ज़्यादा रिएक्शनरी पोस्चर इख्तियार कर लिया दुनिया की पॉलिटिक्स के सिलसिले में तो उस वक्त जाके के इसराइल और उनके दरमियान थोड़ा बहुत एक तरह की समझ लें कि नाचा की पैदा हुई लेकिन मैं उसको भी कोई उस तरह का कोई ताल्लुक की खराबी नहीं कहूँगा चूँकि आज जब तुर्की ये कह रहा है कि यूनाइट अरब एमरेट्स ने ये कदम उठा के तो पलस्तिन और मुसलमानों को बिट्रे किया है तो आज तुर्की की तजारत इसराइल के साथ एज़ वी स्पीक हो रही है ये कोरोना से पहले इसराइल के एटलीस्ट फाइव हंड्रेड थाउजेंड पीपल जो है वो तुर्की में को विज़िट करते थे एज ए टूरिस्ट और तुर्की की अपना जो ट्रेड मिशन और एम्बेसी तक जो है वो मौजूद है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जिसमें अपना फ़ायदा नज़र आ रहा हो तो उसमें उम्म मुसलमान फलस्तनी आज़ादी ये सारी बिटरे धोखे एक तरफ हो गए और आप बिल्कुल एक तरफ हैं लेकिन जब यही काम जो है एक रेशनल थिंकिंग का काम कोई दूसरी कंट्री करे तो आपको लगता है कि उन्होंने मुसलमानों की पीठ में जो है वो छुरा घोंपा है ये मिसाल मैं आपको देता हूँ एक तुर्की की जो इस वक्त फोर फ्रंट पे है और तुर्की के जो इस वक्त का रजीम है उसकी जो ओवर एम्बिश किस्म की थिंकिंग है और उसका जो दुनिया में लीडरी चमकाने का एक नया ट्रेंड उनके अंदर डिवेलप हो रहा है उसको सामने रखते हुए अगर देखा जाए तो ये ना सिर्फ़ फलस्तीन के साथ नहीं ये पूरी मुस्लिम दुनिया के साथ जो है मुनाफत हो रही है और उनको घुमा फिरा के तो एक बार फिर ए, उसी बाटी में झोंका जा रहा है उसी कॉन्फ्लिक्ट में झोंका जा रहा है जिससे निकलने में ही मैं समझता हूँ कि उम्म मुसलमान पहली बात यह है कि इस नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन अगर आप ये कह लें कि दुनिया के मुसलमान तो वो उनको एक नए कॉन्फ्रिक्ट की तरफ जो है वो धकेला जा रहा है ये बात थी ये इस मुल्क की जो पहला मुल्क था जिसने इसको तस्लीम किया जो दूसरा मुल्क था जिसने उस वक्त इसराइल को तस्लीम किया वो था ईरान और वही दूसरा मुल्क है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा बुलंद आवाज़ जो है बल्कि रोने दूने की आवाज़ और मातम की आवाज़ जो उठा रहा है वो ईरान है और ईरानियों के लफ्ज़ ये देखें कि अरबों ने मुसलमानों को भी बिट्रे किया है गोया अरब मुसलमान नहीं हैं और बाकी मुसलमान हैं और वो यानी एक लंबा ये एक इशू है जिसमें मैं फिर कभी बात करूँगा लेकिन उनके अल्फाज से और उनकी इंटेंशन और उनकी एक तरह की जो है ना वो रोजाना का अंदाज़ा होता है कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को किस तरफ़ लेना चाहे दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ईरान ने पहलकारी की थी इसराइल को तस्लीम करने में और उसके बाद इसराइल और ईरान के दरमियान बहुत ही गर्मजोशी के तलुकत रहे आल दावे जो है वो शाह पहलवी के ज़माने तक उनके दरमियान टेक्नोलॉजी मिलीटरी तेल की खरीदो फरोहत ये सारी चीज़ें जो है न शर शक्कर जिसको आप कहते हैं ओके चलती रही उन्नीस सौ का जो ये मुलाइय का वहाँ पर रेवोल्यूशन था फंडामेंटलिस्ट इस्लामिस्ट फोर्स का उन्होंने आके तो उसको बाजार रोकने की कोशिश की लेकिन ये बहुत सारे नाजरन को देख के और सुन के हैरत होगी कि उन्नीस से लेके उन्नीस सौ तक भी जो आयतुल्ला खमैनी की टॉप ऑफ दी पावर होने के बावजूद भी इसराइल के साथ उनका इस्लाह जो है वो इसराइल से ख़रीदते रहे ईरान इराक़ जंग के दौरान आठ सालों में उन्होंने इसराइल से इसलाह खरीदा ख़रीदा उसकी कोई बहुत बड़ी तादाद में जो है वो इसह उन्होंने लिया उनसे और दूसरी इंटेलिजेंस इस तरह की मदद ली यानी अपने इस्लामी ब्रदर मुल्क नेक्स्ट डोर को जो है वो कुचलने के लिए उस वक्त जो ये मुलान थे इनको इस बात में कोई को बात नज़र नहीं आई कि वो इसराइल से जो है वो असला लेते रहे इस दौरान जब ईरान पर बहुत बड़ी पाबंदियाँ लग गई और ईरान अपना तेल नहीं बेच सकता था तो उस वक्त जो तेल उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ को बेचा एक स्विस बेस्ड जो है वो आयल का जो एक ताजर है उसने अपनी यादाश्त में बायदा ये तस्लिम किया है कि वो ईरानी तेल जो है वो थ्रू इसराइल ले के तो यूरोप में बेचता था और इसराइली और ईरानी हुकूमतें इससे मकम्मल तौर पर आगा थी तो इस हवाले से, से आप देखें तो वही ईरान जो है वो अब खड़ा हो गया कि जनाब यूनाइटेड अरब एमरेट्स ने जो है वो बहुत बड़ा एक बलंडर कर दिया या एक ऐसा गना कर दिया जो नाकबले माफ़ी है जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि ये इस्लाम के पर्दे में पाकिजगी के पर्दे में ईमानदारी के पर्दे में ये जो मलाइत है ये किस तरीके से नौजवानों को और इस्लामी दुनिया के जो कच्चे ज़ैन हैं ख़ाम जैन हैं उनको किस तरह की खाम ख़्यालियों में जो है वो मुबला करती है और उनमें किस तरह के जंगी जुनून और किस्म के दुश्मन पैदा करके तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक सिचुएशन जो है वो क्रिएट करती है ये दो बड़े फ्रंट पर इस वक्त जो है आए हुए मुल्क हैं इसलिए मैंने उनको उनका ज़िक्र किया तीसरा जो है वो आप ये अरब रियातें हैं अगर आप सीक्रेट रिलेशनशिप बिटवीन इसराइल और अरब की हिस्ट्री पढ़ें तो मेरे ख़्याल में कोई एक रियासत भी आप ऐसी नहीं ढूंढ सकते जिसके इसराइल की लीडरशिप के साथ खुफ़िया मुलाकातें ना हुई हूँ इंक्लूडिंग सऊदी अरबिया और यहाँ तक कहा जा रहा है कि इवन मोहम्मद बिन सलमान जो है उसने भी इसराइल को विज़िट किया जिसका मुमकन है कि कोई प्रूफ ना दे सके लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बाकायदा प्रूफ मौजूद हैं कि इनका आपस में तल्लक आपस में तजारत एक दूसरे के साथ द सीन जो है वो कम्युनिकेशन होती रहे यानी एक तरफ तो ये पलस्तानियों को इनको भी जो है वो पैसे देते रहे कि इसराइल को गोलियां मारो और दूसरी तरफ़ पर्दों के पीछे इसराइली के साथ मिल के तो नए जो है वो मनसूबे और अपनी मफादात के मुताबिक जो है वो करते रहे इस सिलसिले में आप जो है वो सऊदी अरबिया से ले आ, मराकश तक ये जो छः सात अरब लीग की कंट्रीज़ हैं इन में से कोई एक भी जो है बहरीन है यमन है ऐसा मुल्क नहीं है जिसका बिहाइंड द सीन इसराइल के साथ जो है वो तल्लुत और कम्यूनिकेशन ना रही हो यही वजह है कि अब यूनाइटेड अब एमरेट्स के बाद माहरीन का ख्याल है कि बहुत जल्द वन बाई वन ये सारे मुल्क जो हैं वो इसराइल को तस्लीम कर लेंगे अब ये चीज़ जो है वो रातों रात नहीं हुई है ज़ाहिर है इसके पीछे साल साल की कम्युनिकेशन थी साल साल की तैयारी थी और ये सब जो है फलस्तनी आवाम को जो है वो धोखे में रख के है कि इसमें अगर आपने ये करना था तो आप ओपन कर सकते थे उनको धोखे में रखने का मतलब ये था कि वो तो मरते रहें इस गलतफहमी के बुनियाद पे कि हमारे पीछे जो है वो करोड़ों मुसलमान खड़े हैं लेकिन पीछे खड़े जो करोड़ों मुसलमान हैं वो बेताब हों कि हम किस वक्त जो है वो इसराइल के साथ अपने जो तल्लत हैं उनको जो है वो नॉर्मल करें तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नेचुरल और नॉर्मल कोर्स ऑफ हिस्ट्री था जो कि होना था लेकिन इसमें मैं आपको ये बताऊँ कि ये एक शर्मिंदगी का मकाम भी है अरब दुनिया के नौजवानों के लिए और मुस्लिम दुनिया के नौजवानों के लिए जिनको जालसाजी के ज़रिए ये बताया जा रहा है कि हम बड़े अजीम लोग हैं और अजीम लोग इस तरह की चलाकी से और बदयानती से जो है वो सियासत कर कर रहे हूँ और लोगों को ये बता रहे हूँ कि ये इबादत है तो इस पर फिर बड़ी शर्मिंदगी की बात है मसला था क्या इसराइल और फलस्तान का कि ये अरब ही थे जो तीन अपनी तीन शराब से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे कि जनाब इसराइल ने जो इलाका लिया हुआ है वो वापस करे टू स्टेट सलूशन के तहत तो वहाँ पर फ़लस्तिन को अपनी स्टेट दे और जो फ़लस्तनी जो रेफ्यूजीज़ हैं उनको वापस आने के लिए यानी ये तरीन शायद अगर इसराइल नहीं मानता तो उससे कोई बात नहीं हो सकती ये था उनका ओपन स्टैंड आप मुझे ये बताएँ कि इन तीनों शराइतों में से कौन सी शर्त है जो इसराइल ने मानी है इसराइल ने कोई शर्त इनमें से नहीं मानी तो सवाल ये पैदा होता है कि ये अरबों ने सरेंडर क्यों किया उसकी वायद वजह यह है कि इसराइल ने इनके पीछे जाके अपना वक्त ज़ाया करने के बजाय अपने आप को मज़बूत किया दो तरीक़ों से एक जो है वो इकानी के हवाले से और दूसरा जो है वो टेक्नोलॉजी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मिलिट्री माइट के हवाले से उन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रांग किया कि इनको उनके आगे सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं रहा इस वक्त उन सब की सिचुएशन ये है कि वो ईरान के खौफ से मुबला होकर इसराइल को अपना एक प्रोटेक्टर एक जो है वो शेल्टर समझते हैं कि ईरान जिस तरीके से ए, उनको जो पोस्टर इख्तियार कर रहा है उस खत्ते में उसमें भी समझते हैं कि इससे बचने का वायद जो हमारे पास सारा है या रास्ता है वो इसराइल है अब वो इस दौड़ में अपनी प्रोटेक्शन चाहते हैं चूँकि उन्होंने अपनी दौलत पर जिस तरह ऐशियों की जिस दौलत को जिस तरीके से बाप दादा की जागीर समझ के उड़ाया मुल्क में जिस तरीके से जमहूरी हकूक लोगों के सलब किए शहरी आज़ादियों पर पाबंदियाँ रखी लोगों की जबाँ बंदी उसमें ताले लगाए और जिस तरह का खौफ व अराज की बादशाह तो में ज़िंदा थे अब उसके बाद वो इस काबल नहीं हैं कि वो आवाम के सामने निकल के तो इस तरह की बड़ी बड़ी सच्चाइयाँ जो है वह तस्लीम करें चनाचे उनको नए ने नक्सस की ज़रूरत है नए सहारों की ज़रूरत है और नए शल्टर की ज़रूरत है जिसकी रोशनी में उन्होंने जो है ये एक नया टर्न लिया है लेकिन इससे जो सबक सीखने का है इस टर्न को तो मैं शुरू से कहता हूँ कि यही रास्ता था दुरुस्त जो रास्ता पीस और नगोशिएशन की तरफ जाता है जो रास्ता अमन और शांति की तरफ जाता है वो रास्ता हर सैन हुकूमत को अख्तियार करना चाहिए लेकिन इस तरह की मुनाफाना पॉलिसियों झूठ और सीक्रेट रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन की बुनियाद पे अपने आवाम को धोखे में रख के और फ़लस्तनी आवाम को धोखे में रख के ये काम करने के बजाय अगर वो यही काम दयानतदारी से स्ट्रेट फारवर्ड और एक जो है ओपन तरीके से करते तो फिर जो है वो मुमकिन है कि उनको लोग जो है इस वक्त ताने देने के बजाय उनकी इज़्ज़ एहतराम से नाम लेते लेकिन ये चूँकि उन्होंने वही पॉलिटिक्स की है एक ऐसी पॉलिटिक्स जिसको किसी भी तरीके से जो है वो जस्टिफाई करने के लिए तैयार नहीं है अब इस तनकीद के बाद आप देखें कि जो मुल्क इसमें साथ में और भी शामिल होते जा रहे हैं जिस तरह के मलेशिया है इंडोनेशिया है या पाकिस्तान है जो कि नॉन ना अरब का मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनका भी आप देखें कि ये रवैया बिल्कुल इसी तरीके से है मलाइशिया और इंडोनेशिया की तजारत टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज मुख्तलिफ जो है वो ट्रेड और इस तरह के बेनिफिट्स जो हैं वो थ्रू सिंगापुर इसराइल के साथ होते रहे इस पर आप रिसर्च करके देखें तो यू विल बी अमेज्ड कि किस तरीके से उनकी एक अरबों की हिसाब से जो है वो ट्रेड होता रहा टेक्नोलॉजी के तबादले तो होते रहे ये सारी सिचुएशन जो है वो होती रही जहाँ तक पाकिस्तान का तलक़ है तो पाकिस्तान का तो मसला ये है कि पहली बात यह है कि पाकिस्तान का शुरू दिन से ये जो फ़लस्तीन के हवाले से स्टैंड रहा है ये कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी वाला रहा है क्योंकि पहली बात यह है कि पाकिस्तान कभी भी इस पोजीशन में नहीं था कि वो बिलावजा जाके तो एक ऐसे खिते में जहाँ उसका कोई इंटरेस्ट नहीं कोई सिलसिला नहीं वो जाके अपने आप को एक दूसरे की जंग में जो है वो झोंक दे जो पाकिस्तान के मोस्टली जो है मिलिट्री डिक्टेटर्स जो हैं उनके डिसीजन थे जो उन्होंने मुख्तलिफ अवात में मुख्तलिफ जगहों पर अपने आप को झूका है उसमें एक ईशू ये भी था अब पाकिस्तान का जो इसमें रोल रहा है वो तो इन अरबों के रोल से भी थोड़ा सा आगे जाके ऑब्जेक्शनेबल है उसकी वजह ये है कि पलस्तिन के, के काज की ओपन हमायद कर बाज़ाहिर ओपन हमायद करने के बावजूद आ, पाकिस्तान वाइद इस्लामी मुल्क था इस हिसाब से मैं ये कहूँगा कि जार्डन और इजप्ट के बाद जिन्होंने बायदा वे बिल आखिर इस हकीकत को बहुत पहले तस्लीम कर लिया था और उन्होंने हकीक़त को भी तस्लीम किया और इस हकीक़त को भी तस्लीम किया कि इसराइल उस खत्ते की एक ऐसी हकीकत है जिसके साथ डील किए बग़ैर चारा ने तो उन्होंने बहुत पहले यही डिसीजन कर लिया था जो यू आज कर रही है लेकिन पाकिस्तान का इस पर रवैया जो है वह मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान का इसमें रवैया जो है वो बहुत हद तक आप यूँ कह सकें कि ऑब्जेक्शनीबल रहा है कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ ये है कि इसमें मुनाफ्त के इस जो सिलसिला था इसमें शरीक रहा है बल्कि उसने बर रास्त फलस्तनी अवाम जो थे उनके कत्लेम में भी शिरकत की जो कि एक बहुत बड़ी जो है वो एक ट्रेजिटी थी फलस्तीनीों के साथ के एक तरफ तो एक मुल्क है जो उनको कह रहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं इसराइल के ख़िलाफ़ जंग में और दूसरी तरफ आप अपनी फ़ौजें लेके तो बराह रास्त उन पर जो है वो गोली चलाते हैं और उनका कत्लेम करते हैं ये जो ब्लैक सप्तम्बर का वाक़ था उन्नीस सौ उनहत्तर में जब जार्डन में जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज तैनात थी उस वक्त जो है वो शाह हुसैन जो है वो जारडन किंग था उस वक्त जो फल कैंपों पे फ़ौज कशी की गई उसकी क्यादत जो कर रहा था वो ब्रिगेडियर जया था जो बाद में चीफ़ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ज़ियाल्लाक़ बन के उबरा पाकिस्तान में और पाकिस्तानी फ़ौज का सबसे पसंदीदा तरीन जनरल वो इसराइल के लिए इसलिए था कि उसने उस ऑपरेशन की क्यादत की जिसमें एक अंदाज़े के मुताबिक पाँच से सात हज़ार फलस्तनी जो हैं वो मार दिए गए जबकि यासर यासरफात ने उस वक्त ये कहा कि ये कम अज़ कम पच्चीस हज़ार फ़लस्तनी जो हैं वो मारे गए जिसमें के जार्डेन फोर्स भी शामिल थी लेकिन उसकी क़्यादत जो है वो ब्रिगेडियर ज़ियाल के हाथ में थी जो अपने आप को पाकिस्तानी मिलिट्री मैन के तौर पर वहाँ तैनात था और अपने आप को फ़लस्तनीों की हमायत और उनकी जो है वह मकमल सपोर्ट के दावेदार थे अब वो जो काम हुआ था उसकी वजह से उस वक्त जो है वो मोशेद्न ने ये कहा था कि हमने आज तक जितने जो है फ़लस्तनी हम अम, हमारे हाथों नहीं मरे हैं जितने जो है ये चंद दिनों में वहाँ पे मारे गए तो इस हिसाब से जनरल हक जो है वो एक हीरो के तौर पे आप यूँ समझें कि याद रखा जाता था इसराइल के हवाले से अब ये जो इसराइल एक छोटा सा मुल्क था और एक ऐसे ख़त्े में आबाद हुआ था कि जहाँ पर चारों तरफ उसको एक बहुत बड़ी दुनिया की आस्टाइल दुनिया का सामना था लेकिन उसके बावजूद उसने स्टेप बाई स्टेप इस सारी दुनिया को न्यूट्रलाइज़ किया अपने काम से काम रखा अपनी ताकत बनाई अपना डिफ़ेंस मजबूत किया अपनी साइंस अपनी टेक्नोलॉजी अपनी तालीम अपने आवाम को तरक्की याफ़्ता बनाया और ये उसके इर्द गिर्द नाचते और मुनाफ्त करते रहे और आज तक इन सब की हालत यही है कि ये जो है अब भी वही अपनी नाच गाने में मसरूफ़ हैं और फलस्तियों के साथ भी नाचते हैं और इसराइल के साथ भी नाचते हैं यही वो इनकी मुनाफाना पॉलिसियाँ थी जिसकी वजह से फ़लस्ती की इतनी लंबी सफ़रिंग जो है हुई और उनको जिस तरीके से सपोर्ट की गई आप किसी भी मुल्क में किसी आज़ादी की तहरीक को या राइट ऑफ़ सेल्फ डिटर्मिनेशन को या किसी तरह के आपके राइट्स हैं उनकी हमारत करते वक्त जो है आपको देखना होता है कि वहाँ पर उन राइट्स को लीड कौन कर रहा है अब एक वक्त तो चलो ऐसा था कि वहाँ कुछ होशमंद लोग जो हैं वहाँ की तहरीक को लीड करते थे जिन्होंने कुछ उसके नतज भी निकाले कि फ़लस्तनी काज जो है उसको इंटरनेशनली रेकगनाइज़ कराया ये कैंप डेवर्ड और ओसलो जैसे अकार्ड हुए और उन्होंने बाकायदा दुनिया में एक पूरा अपनी जो है वो हमायत हासिल की लेकिन आपने उस सारी चीज़ को मटेरियलाइज करने के बाद ये जितने इस्लामी मुल्क थे इनकी बेजा किस्म की हमायत ने और इनकी अनकंडिशनल स्पोर्ट ने खबा वहाँ पे कोई कातल हो चोर हो डाकू हो टेररिस्ट हो उसको आप हिरो बना के और मजाह बना के और उर्त पसंद बना के पेश करने की पॉलिसी की वजह से जो फ़लस्तनी इलाके थे गाज़ा के इलाके जहाँ पे फलस्तीन की हुकूमत कायम हुई वहाँ पे ऐसे लोग मसलत हुए जो दुनिया के सबसे बेरहम किस्म के टेररिस्ट और बेसमझ किस्म के जो है वो पॉलिटिशन आप कह सकते हैं जिनको ना ये विजन था कि जो हरकत हम कर रहे हैं इसका फ़लस्तनी आवाम के जो पहले ही तद का शिकार हैं और लूटे पिटे हुए हैं उनका क्या अशर होगा और दूसरा ये कि जो हमारी ये जो मतालबा है या तहरीक है जो इतना आगे गई कि दुनिया में किसी कामी आज़ादी की तहरीक को या राइट की तहरीक को इतनी सपोर्ट कभी नहीं मिली जो इनको मिली यानी पूरी दुनिया एक वक्त में इनके जो है वो पुष्ट पे खड़ी हो गई थी तो उसको जो है वो पॉजिटिवली यूटिलाइज करके तो इसराइल के साथ जो है वो एक पुरमान तरीके से नगोशिएट करते और अपने आवाम के राइट जो है वो लेते और अपनी नस्लों को बचाते उसके बजाय उन्होंने वहाँ पे फंडामेंटलिज्म और टेररिज्म और एक ही ऐसी जो है वो बेरहम किस्म की पॉलिसियाँ अपना ली कि जिसके नतीजे में वो एक तरह का स्नैक पीट बन गया जिसमें कभी किसी मुल्क से और कभी किसी जो है वो इलाके से टेररिस्ट आके तो वहाँ पे जो है वो लड़ते रहे या दूसरे मुल्कों में जाके लड़ते रहे तो इस हिसाब से पर वहाँ पर जो सिचुएशन क्रिएट हुई वो आज़ादी की तहरीक नहीं रही चूँकि आज़ादी की तहरीक वो होती है जिसको आज़ादी पसंद लोग लीड करते हैं जिनको पता होता है कि आज़ादी है क्या और जहाँ आप आज़ादी को जमूरीत से इंसानी हकूक से शहरी आज़ादियों से और फंडामेंटल रॉइट से अलग कर देंगे बंदूक के ज़ोर पर जो है वो लोगों को मस्जिदों में जाके नमाज़ पढ़ने पर मजबूर करेंगे बंदूक के ज़ोर पर जो है वो औरतों को पर्दे में क़ैद करेंगे और जहाँ पर आप अपना फंडामेंटलिस्टिक किस्म का जो एजेंडा है उसको ज़बरदस्ती ताकत के ज़ोर पर आवाम पे, पे मसलत करेंगे और ये गोली और ख़ून खराबा और ये चीज़ें जो हैं वो आपका ओढ़ना बछूना बन जाएगा तो उसको फिर आप ज़रा देखना पड़ता है कि ये कौन सी आज़ादी मांगते हैं और ये आज़ादी मांगने के बाद यहाँ पे क्या करने वाले हैं ये जो है पूरी जो इस्लामी दुनिया के जो नौजवान हैं उनको इस चीज़ पे बहुत बड़ा गौरव फिक्र करने की ज़रूरत है आज़ादी की तहरीकें वो होती हैं जो लोगों की आज़ादियों की बात करती हैं उनकी शहरी आज़ादियों उनके बुनियादी हकूक़ उनके डेमोक्रेटिक राइट्स उनके पोलिटिकल राइट्स उनकी जो वहाँ पे इंटाइटलमेंट है उनकी आनरशिप है और उनका राइट टू गावन एंड राइट टू वोट एंड राइट टू बी वोटेड, जो लोग इन चीज़ों को तस्लीम नहीं करते वो आज़ादी के नाम पर जो है वो एक तरह का फ्राड कर रहे होते हैं उस मखसूस पापुलेशन के साथ या ग्रुप ऑफ पीपल या नेशनलिटी या नेशन या जो भी उस खत्ते में उस वक्त लोग आबाद हैं ये जो कुछ हुआ है इस वक्त हुआ है इसमें ये डिसीजन होना था क्योंकि इट वाज इविटेबल लेकिन इसमें जो है जो फलस्तिन को नजरअंदाज किया गया और उनकी बात वहीं देरी की दहरी रह गई ये इस चीज़ का सबूत है कि उनको अपने आमाल से कुछ सीखना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि उनकी पॉलिसी जो है वो बुनियादी तौर पे बेस करती थी फ़ारन इंटरवेंशन पे और बाहर से आने वाली जो है वो इमदाद पे बाहर से आने वाली खैरात पे और बाहर से आने वाली सपोर्ट पे किसी भी धरती पे कोई जो उर्त पसंद क़वत है या ग्रुप ऑफ़ पीपल है वो उस वक्त तक अपने आप को किसी आज़ादी की तहरीक में का हिस्सा नहीं कह सकता जब तक वो हंड्रेड परसेंट अपने अवाम पे अपने मैसेज पे जो है वो डिपेंड ना करता हो उसके अपने रिसोर्स ना हो और उसका अपना एक एजेंडा ना हो जो दरअसल आज़ादी का एजेंडा होता है जिसकी मैं दो तीन दफ़ा अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती हैं तो इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि इसमें सीखने के सबक हैं सब के लिए फ़लस्तीियों के लिए भी ताकि वो दोबारा ग़ौर करें कि क्या वो आज़ादी के नाम पर जो जंग व जदल में मुलवस हैं और अपनी नस्लों को मरवा रहे हैं क्या उसका कोई एंड भी है अरब और इस्लामी रियासतों के लिए कि क्या उनको मज़ीद क्या ऐसी इंतज़ार की ज़रूरत है और क्या करना है जब एक एक करके सब ने इसी तरह इसराइल से ताल्लक बनाना है तो फिर एक दूसरे को ताने देने और एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी का जो है वो कोई मतलब नहीं है वो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये दुनिया में जो नई डिवेलपमेंट हो रही है अलाइनमेंट हो रही है री एडजस्टमेंट हो रही है, है रिलेशनशिप की ये उसकी एक रिफ्लेक्शन है और अभी इसमें मज़ीद ऐसे कहीं जो है वो बड़े बड़े वाकयात आएंगे जिसमें कि लोगों के लिए हैरत होगी लेकिन इसमें हैरत की कोई बात नहीं है चूँकि ये हिस्ट्री का एक नेचुरल कोर्स ऑफ इवेंट जो है वो इसी तरह चलते हैं और मुझे उम्मीद है कि इससे जो है वो अच्छाई का कोई पहलू सब के लिए निकलेगा तो इसी पर मैं आज की ये गुफ्तु ख़त्म करता हूँ आज से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए खुदा हाफिज़ Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.